को हिमाचल में दमदार जीत हासिल हुई है, पर सबसे बड़ा सवाल अब ये कि सूबे का मुख्यमंत्री कौन होगा। अब इस सवाल को लेकर पार्टी के अंदर तनाव की खबरें सामने आ रही है। हालांकि पार्टी आलाकमान ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और साथ ही हरियाणा के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ऑब्जर्वर बनाकर हिमाचल भेजा है। आपको यह भी बताएं कि इन्हें जिम्मेदारी मिली है कि मुख्यमंत्री पद के लिए चेहरे के चुनाव में सहयोग वो करें और पार्टी के नव निर्वाचित विधायकों के साथ मिलकर इस सवाल का हल निकालें। तो हिमाचल में कांग्रेस सरकार तो आई, लेकिन सीएम पद पर कौन बैठेगा इस पर अभी भी पसोपेश की स्थिति बरकरार है। आपको बताएं सीएम के प्रमुख दावेदारों में खुद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह है, प्रदेश कांग्रेस प्रचार कमेटी के अध्यक्ष सुखविंदर सुक्खू इसमें शामिल है, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री का नाम शामिल आ रहा है। सीधे आपको ले चलते हैं शिमला, हमारे सहयोगी संदीप सिंह के पास ताजा अपडेट है। संदीप, क्या चल रहा है हिमाचल में, सीएम कौन बनेगा इसको लेकर तो तनातनी जारी है, इनफैक्ट तनाव देखा जा रहा है वहां पर, अभी फिलहाल ताजा स्थिति क्या है? स्वाति देखिए, अभी जो है वो इंतजार किया जा रहा है कि नवनिर्वाचित विधायक दल की बैठक शुरू हो। विधायकों का आना फिलहाल अभी शुरू हुआ है। तस्वीरें साथ साथ मैं दिखाता चलूं, यहाँ पर जो है हम इस वक्त पार्टी मुख्यालय में हैं और ये जो भारी भरकम भीड़ आप इस कनेक्टिंग ब्रिज की तरफ देख रहे हैं, तो ये दो विधायक हैं, उनके समर्थक जो है वो लगातार हॉली लॉज के नारे लगाते हुए जो है वो दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल ये मीटिंग जो है 2 बजे होनी थी, फिर इसका समय बदला गया, 3 बजे की गई, उसके बाद समय बदला गया, 5 बजे की गई और 5 बजे समय किया गया और अब जो है वो ताज़ा अपडेट यह है कि 6 बजे जो है वो मीटिंग शुरू होनी है। इससे पहले जो है वो इन तमाम मीटिंग से पहले जो है वो सीनियर लीडर्स प्रदेश प्रभारी हों, राजीव शुक्ला सह प्रभारी हों या प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह हों, दोनों केंद्रीय पर्यवेक्षक जो हैं उनके साथ जो है वो आपस में मुलाकात की है, चर्चा की है कि किस तरीके से रूपरेखा रहने वाली है, माहौल है क्या, जानने की कोशिश की है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो मुख्यमंत्री के दावेदार थोड़े ज़्यादा हो गए हैं। पहले नाम की अगर मैं बात करूँ, जिस तरीके से आपने बताया, प्रतिभा सिंह जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं और मंडी से सांसद भी हैं और पूर्व मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी भी हैं और हॉली लॉज से ही जो है वो वीरभद्र सिंह सियासत चलाते रहे हैं और 6 बार के प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे थे। इसके अलावा जो है वो सुखविंदर सिंह सुक्खू, उनका नाम भी मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे चल रहा है। मुकेश अग्निहोत्री, उनका नाम भी रेस में सबसे आगे चल रहा है। देखना ही होगा कि 40 नवनिर्वाचित विधायकों की जब बैठक की शुरुआत होगी तो क्या बातें जो हैं वो रखते हैं, अपना विधायक दल का नेता जो है वो किसे चुनते हैं, इन गुटबाजी को जो है वो किस तरीके से शांत करने के बाद जो है पर्यवेक्षक क्या सफलता हासिल कर पाते हैं, इन सब बातों पर जो है वो इस वक्त सबकी नजर बनी हुई है। समस्या ये बन गई है कि सनातनी से साफ हो गई है कि कांग्रेस में एक बार फिर से परिवार सर्वोपरि, ये इस तरीके के संकेत सामने मिल रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमने एक बयान भी सुना प्रतिभा सिंह का, जो ये साफ तौर पर कह रही है कि वीरभद्र सिंह के नाम पर कांग्रेस ने ये चुनाव जीता है, कांग्रेस एक बार फिर से सत्ता में काबिज होने पर सफल रही है। वहीं एक विरोधी खेमा भी है जो प्रतिभा सिंह के अगेंस्ट है और सुखविंदर सिंह सुक्खू जो कि जो पार्टी हाईकमान है उनकी खासी पैठ है वहां पर, तो शायद इतना आसान नहीं होगा वहां पर जितने भी अभी फिलहाल आलाकमान और हाईकमान जो मौजूद हैं उनके लिए ये तय करना कि आखिरकार सीएम की कुर्सी पर कौन बैठेगा। स्वाति, आपने ठीक कहा, अगर ये इतना आसान होता तो जो ये महत्वपूर्ण बैठक थी, पहली बैठक, इसका समय बार बार बदलता नहीं, बार बार जो है वो सीनियर लीडर्स इन तमाम नवनिर्वाचित विधायकों की नब्ज टोलने में लगे हुए हैं और जाहिर तौर पर एकजुट होकर यहाँ पर मीटिंग पहुँचने के लिए जो है वो ज़रूर बातें कर रहे होंगे, लेकिन इस वक्त पशुपेश की स्थिति ये बनी हुई है कि एक तरफ से हॉली लॉज खेमा जो है वो भी डटा हुआ है और दूसरी तरफ से अगर सुक्खू गुट की बात करें तो वो भी डटा हुआ है। तो इस वक्त ऐसे में इस स्थिति को किस तरीके
से जो है वो टैकल करना वो दोनों ही ऑब्जर्वर्स के लिए चुनौती बन गई है। और हालांकि आज थोड़ी देर पहले ही जो है वो गवर्नर से भी दोनों ही केंद्रीय पर्यवेक्षक और राजीव शुक्ला ने मुलाकात की है और जितने भी जीते हुए विधायक हैं उसकी लिस्ट सौंपी है। तो जाहिर तौर पर ये जरूर दावा किया गया है कि सरकार तो कांग्रेस बनाएगी लेकिन कुछ समय जरूर दिया जाए। तो जाहिर तौर पर आज उम्मीद यही जताई जा रही है कि जब यहां पर पहुंचेंगे तो माहौल किस तरीके का रहेगा, इन सारे के सारे नवनिर्वाचित विधायकों की नब्ज टटोलने के बाद जो है वो क्या मामला शांत हो पाएगा या फिर हाईकमान तक जाना पड़ेगा, क्योंकि लगातार प्रतिभा सिंह जो है वो ये कहती नजर आई हैं कि वीरभद्र की लेगेसी जो है वो उसको कंटिन्यू करने के लिए हॉली लॉज पर जो है वो लोगों की नजर है और एक बार मौका जरूर मिलना चाहिए। और दूसरी तरफ से सुक्खू भी लगातार जो है वो मुख्यमंत्री की रेस में चल रहे हैं, तो ऐसे में आज किस तरीके से समन्वय बैठेगा ये भी देखने लायक रहेगा। और दूसरी बात ये भी है कि क्या सीनियर लीडर्स में ही मुख्यमंत्री को चुना जाएगा या फिर नए चेहरे को जो है वो इस बार मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, ये भी देखने लायक रहेगा। क्योंकि 21 के करीब जो है पहली बार विधायक चुनकर जो है वो इस बार जो है विधानसभा में विधायक पहुंचेंगे और बाकी के 18 अगर मैं बता दूं 18 से 19 लोग ऐसे हैं, ऐसे नवनिर्वाचित जो ये अभी विधायक हैं जिनको दो बार, तीन टर्म, चार टर्म या पांच टर्म हो चुके हैं लगातार जीतते हुए, तो ऐसे इनमें से होगा। ये तमाम सवालों का जवाब जो है मीटिंग जब शुरुआत होगी तो उसके बाद जो है वो ताजा अपडेट निकल आएंगे। जी संदीप, मीटिंग के बाद काफी तस्वीर हद तक साफ हो जाएगी आखिरकार कांग्रेस किस नाम पर मुहर लगाती है हिमाचल के मुख्यमंत्री के तौर पर। दावेदार तो बहुत है लेकिन नाम तो एक ही कहना है, लेकिन वही सबसे बड़ा तनाव है पार्टी के लिए कि वो नाम कौन सा हो। जानकारी आपसे आगे भी लेते रहेंगे संदीप, फिलहाल धन्यवाद आपका इस अपडेट के लिए।